अस्सलाम वालेकुम हबीबी, नदीम मेमन फ्रॉम द लैंडमार्क रियल्टी। बजट फ्रेंडली प्रॉपर्टी देख रहे हो और अगर सहूलत पर भी चाहिए, 10% डाउन पेमेंट, 90% लोन चाहिए और 1 आर के, 1 बीएचके, 1.5 बीएचके, 2 बीएचके एकदम अफोर्डेबल रेट में चाहिए, बड़े कॉम्प्लेक्स में चाहिए, अच्छी अच्छी एमिनिटीज चाहिए, तो जल्दी जल्दी आ जाओ क्योंकि ज्यादा जानकारी के लिए आपको इस नंबर पे कॉल करना पड़ेगा। इसके साथ साथ बेनिफिट आपको मिलेगा, आइदर आप कॉइन चाहिए कॉइन लीजिए गोल्ड का, या फिर अगर आपको कैशबैक चाहिए कैशबैक लीजिए, दोनों ऑफर आपके लिए अवेलेबल है। आइदर और को ऑप्शन है, बेस्ट पार्ट है फ्री में पिकअप एंड ड्रॉप अवेलेबल, लेकिन ज्यादा जानकारी के लिए आपको इस नंबर पर कॉल करना होगा और कॉल बिजी है तो व्हाट्सअप करना होगा। सपा अध्यक्ष तथा गोवंडी के उम्मीदवार अबू आसिम आजमी की चुनाव प्रचार के दौरान बिगड़ी तबीयत, अस्पताल पहुंचे फिर लौटे चुनाव प्रचार में। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन यानी कि आप रैलियां, सभाएं, चौक सभाएं, पद यात्रा जो करते हैं चुनाव प्रचार के लिए, वो 18 नवंबर शाम 5 बजे उसका अंतिम समय था। तो उसी दिन गोवंडी शिवाजी नगर के इंडिया अलायंस समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अबू आसिम आजमी, जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, अचानक भीषण गर्मी के कारण बीमार पड़ गए और बीमार पड़ने की वजह से उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जिसके चलते कुछ अफवाहें भी फैली, कुछ गलत खबरें भी फैली, मगर अबू आसिम आजमी अस्पताल गए और कुछ घंटों में बिल्कुल अच्छे खासे होकर वापस चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरे। देखिए कैसे अस्पताल से वापस लौटे अबू आसिम आजमी और चुनाव प्रचार में उतरे हैं। नहीं नहीं मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, सिर्फ गर्मी लग गई थी, मैं रात को सोया नहीं और सुबह जो है 3-4 घंटे मोटरसाइकिल पर कच्चे पक्के रास्ते में थोड़ा हिल गया, तो बस थोड़ा चक्कर आया, तो चेक कराने गया, डॉक्टर ने बोला इसी ही निकालता हूँ, ये करता हूँ, सब निकाला, कुछ नहीं, मैं आगे फिर से काम पे लग गया, मुझे 1% भी अलहमदुल्ला कोई प्रॉब्लम।